ओके अच्छा, तो बेटा हम आप लोगों के लिए ये रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं साथ साथ ना, ताकि कोई बच्चा हमारा ऑनलाइन नहीं है, इसकी लाइट गई भी या व्हाटएवर, तो हमने अभी एक्चुअली लैपटॉप में उसको रिकॉर्ड नहीं किया था। तो मैं जल्दी से कहानी जल्दी से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एडवांटेज मिलेगा आपको इस चीज का। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बेटा। पेज नंबर स्टार्ट, पेज नंबर 93, प्रॉब्लम नंबर 3, पेज नंबर 93, प्रॉब्लम नंबर 3 के ऊपर एक न्यूमेरिकल है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल किताब का। इस न्यूमेरिकल को 2018 में अल्फाज चेंज करके और हेलीकॉप्टर की जगह एक मुख्तलिफ चीज सामने रख के पेश किया गया। वो क्या है वो इसके बाद आपको खुद ब खुद समझ आएगा, लेकिन पहले जब तक ये समझ में नहीं आएगा वो कहानी समझ में नहीं आएगी। तो एग्जामिनर ने सवाल में कहा, मैं सवाल आपके सामने पढ़ रहा हूँ, अ हेलीकॉप्टर इज मूविंग, एक हेलीकॉप्टर असेंडिंग का मतलब क्या है, नीचे से कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अ हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग अपवर्ड एट द रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। हेलीकॉप्टर किस रफ्तार से बेटा ऊपर की तरफ जा रहा है, 12 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, नीचे से कहाँ जा रहा है। तो बेटा ये जो मैंने बॉक्स बनाया है इसको मैं एच सी कह रहा हूँ, एच सी स्टैंड फॉर हेलीकॉप्टर। अ हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग अपवर्ड, ठीक है, अ हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से हेलीकॉप्टर नीचे से कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। एंड जैसे ही मेरे बेटा कहता है एट द हाइट ऑफ, ये हेलीकॉप्टर 80 मीटर की 80 मीटर की हाइट पर पहुंचता है जमीन से, तो ये हेलीकॉप्टर क्या करता है, एक पैकेज को, एक बंडल को, एक राशन को, जो भी है अपने अंदर से क्या कर देता है मेरे बेटा, ड्रॉप कर देता है। तो जैसे ये ड्रॉप करेगा, तो अब अपने माइंड में दिमाग में रखना कि जो हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी है वही पैकेट की वेलोसिटी होगी। इब्तदाई वेलोसिटी जो हेलीकॉप्टर की है वही इब्तदाई वेलोसिटी किसकी होगी, पैकेट की होगी, क्योंकि जो कुछ हेलीकॉप्टर के अंदर है वो उसी रफ्तार से नीचे से कहां गया है, ऊपर गया है। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द हेलीकॉप्टर इज इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पैकेट। कोई सवाल, पक्की बात है? फिर दोबारा, हम जिस गाड़ी के अंदर ट्रेवल कर रहे होते हैं, जो गाड़ी की रफ्तार होती है दरअसल वही हमारी रफ्तार होती है। अब जब पैकेज को ड्रॉप किया जाएगा मेरे बेटा 80 मीटर की हाइट से, तो हेलीकॉप्टर से जब पैकेट को ड्रॉप किया गया, तो हेलीकॉप्टर नीचे से कहां जा रहा था, ऊपर की तरफ। अब जैसे ही ड्रॉप किया पैकेज को, तो ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, आसान सा अल्फाज कह रहा हूं, ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस और ड्यू टू इनर्शिया, ये पैकेट हवा में थोड़ा सा नीचे से कहां जाएगा, अच्छा बहुत ऊपर नहीं जाता, लेकिन डायग्राम में तो मैं तुम लोगों को थोड़ा सा ज्यादा दिखाऊंगा ना, ताकि नजर तो आए, वो तो बहुत हल्का सा होगा, बहुत ज्यादा जर्क नहीं आएगा, लेकिन डायग्राम में मुझे तो थोड़ा सा बड़ा करके दिखाना है ताकि आपको कुछ चीज समझ में आए। ड्यू टू इनर्शिया, प्रॉपर्टी ऑफ मास, जो पैकेज होगा उसका मास हवा की रेजिस्टेंस के मुकाबले में उसका मास कम होगा, तो हवा उसको नीचे से थोड़ा सा क्या करेगी, अप्रेस करेगी, और बताएं वो पॉइंट बी से होता हुआ कहां जाएगा, पॉइंट सी, देन ऊपर से, वो ऊपर से होता हुआ दोबारा कहां आएगा, नीचे। इज इट क्लियर? ये सवाल फ्री फॉल मोशन का न्यूमेरिकल है। कौन सा न्यूमेरिकल है, कहीं नोट कर लें तमाम बच्चे, फ्री फॉल मोशन, फ्री फॉल मोशन। और सवाल की रिक्वायर्ड क्या है बेटा, सवाल की रिक्वायर्ड है हाउ लॉन्ग डज द पैकेज, हाउ लॉन्ग डज द पैकेज रिटर्न टू द ग्राउंड, हाउ लॉन्ग डज द पैकेज टू टेक टू रीच द ग्राउंड, मतलब कितना टाइम लेगा पैकेज ड्रॉप होने के बाद जमीन पे आते हुए, कितना टाइम लेगा ये पैकेज जमीन पे आते हुए, कितना टाइम लेगा ये हमें पता करना है। तो डायग्राम को देख के बहुत आसानी से कर सकते हो, मुश्किल नहीं होगी। बताओ, जब पैकेज को ड्रॉप किया गया हेलीकॉप्टर से, तो थोड़ा सा एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो नीचे से कहां गया, ऊपर। तो बेटा बी से सी तक के टाइम को मैं अज्यूम कर लूंगा, इस टाइम को मैं अज्यूम कर लूंगा T1, और फिर सी से होता हुआ दोबारा जब वो नीचे की तरफ आएगा, तो बेटा इस पूरे दौरानिए को, इस पूरे टाइम को मैं क्या नाम दे दूंगा, बताओ, T2 का नाम दे दूंगा। तो बताइए पैकेज कितनी देर में ड्रॉप होने के बाद ऊपर से नीचे आएगा, तो आप कहेंगे T1 प्लस, भाई नीचे से ऊपर गया, बी से कहां गया, सी की तरफ, ये हो गया T1, और फिर सी से कहां आया, डी की तरफ, इसको मैंने क्या कहा, T2। तो अगर आपको T1 और T2 पता है तो दोनों को ऐड कर लें, आपको टाइम पता चल जाएगा। हाउ का वर्ड इस्तेमाल हुआ, हाउ लॉन्ग कहते हैं वक्त को, कितना टाइम, हाउ फार कहते हैं कितना फासला, हाउ फार कल वाले न्यूमेरिकल में था, हाउ फार मैं बता रहा हूँ, ऑनलाइन वाले बच्चे लिख लें, हाउ फार कहते हैं डिस्टेंस, हाउ लॉन्ग कहते हैं टाइम को, हाउ लॉन्ग डज द पैकेज
टेक टू रीच द ग्राउंड, कितना टाइम लेगा पैकेज जमीन की तरफ आते हुए। आई होप तमाम स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आ गई होगी। ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चों को ये बात यहां तक क्लियर है? तमाम बच्चों को, ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स क्लियर है? बेटा मैं आगे बढ़ जाऊं, डेटा बना दूं? बेटा मैं डेटा बना रहा हूं। गिवन बताइए, इनिशियल वेलोसिटी जो हेलीकॉप्टर की होगी वही वेलोसिटी पैकेज की होगी। बताइए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 12 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया बेटा। अब सिर्फ वेलोसिटी दी हुई है, उसके अलावा आपके पास एक हाइट गिवन है। बताइए कहां से कहां तक है वो हाइट? आपको नजर आ रहा है जब हेलीकॉप्टर 80 मीटर पर पहुंचा तो ए टू बी। अब मैं इसको सिंबॉलिकली अगर मैं लिखूंगा ना तो आपको ज्यादा अच्छा सबको समझ में आएगा। तमाम बच्चों को हाइट लिख रहा हूं मैं ए से लेके बी। तो बेटा हाइट फ्रॉम ए टू बी जो है, जहां से पैकेज ड्रॉप हुआ वो 80 मीटर से ड्रॉप हुआ, 80 मीटर मैंने लिख दिया। अभी इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता सवाल में, बस एग्जामिनर ने मुझे कह दिया कि क्या निकालना है रिक्वायर्ड। उसने कहा है कि बताइए पैकेज ग्राउंड पे कितनी देर में आएगा। तो बेटा इधर देखिएगा, बोर्ड पे देखिएगा, बेटा मैं उस टाइम को कहूंगा टी, और वो टाइम होगा दो टाइमों को ऐड करने के बाद टी वन प्लस टी टू। तो मुझे ये कैलकुलेट करना है हाउ लॉन्ग। तो बेटा टी इसका मतलब है मुझे निकालना है, ये टी निकालना है। और पहले पैकेज थोड़ा सा ड्यू टू इनर्शिया की वजह से बी से कहां जाएगा? सी की तरफ जाएगा, और फिर सी से डी की तरफ आएगा। ये बात मैंने 10 बार कर दी है, ठीक है, और हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं ये चीज। अब मेरी बात बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा तमाम स्टूडेंट्स, यहाँ देखिएगा बेटा। सबसे पहले हम बात करेंगे बी से सी तक के टाइम की। बी से सी तक का जो टाइम है वो हमें निकालना है। तो बेटा मैं यहाँ पर सॉल्व करने जा रहा हूं, और सॉल्यूशन में मैं सबसे पहले एक सिंबॉलिकली एक हेडिंग मार्क कर रहा हूं फॉर टी वन की, या सिंपल मैंने टी वन लिख दिया। क्या लिख दिया? टी वन। ये आ रहा है ये बोर्ड पे, आ रहा है ये टी वन लिखा हुआ आ रहा है ठीक है। आप बताइए बेटा टी वन निकालने जा रहा हूं मैं। बेटा टी वन निकालने के लिए बताइए मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बताइए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? वी एफ इक्विवेलेंट टू वी आई माइनस का जी टी लिखूंगा। अलर्ट रहिएगा, बिल्कुल अलर्ट रहिएगा, अपने दिमागों को हाजिर और नाजिर रख के बिल्कुल सामने। माइनस क्यों लिखा बताइए? पैकेज जमीन के पहले कहां जा रहा है? अगेंस्ट जा रहा है। जब मैंने ड्रॉप किया तो थोड़ा सा नीचे से पैकेज कहां गया? ऊपर, तो जमीन के अगेंस्ट गया। तो जमीन के अगेंस्ट ग्रेविटी आपको पता है, मैट्रिक्स हम पढ़ रहे हैं, क्या लेते हैं? माइनस लेते हैं, माइनस ले जाती है। और अगर जमीन की तरफ आएगा, जब वो सी से डी की तरफ आएगा, तो ग्रेविटी को क्या लेंगे? प्लस लेंगे। कोई एतराज? और बताइएगा फाइनल वेलोसिटी, बहुत तवज्जो से सुनिएगा। जब पैकेट बी से सी की तरफ पहुंचेगा, बेटा जब पैकेट बी से कहां पहुंचा? सी पर पहुंचा, तो ऐसे नीचे से ऊपर जाने के बाद ये रुका। जैसे ही वो रुका तो बताएं फाइनली उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो हो गई। हेलीकॉप्टर की जो वेलोसिटी थी वही पैकेट की इनिशियल वेलोसिटी थी। तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी की जगह आ गया 12 माइनस, कैलकुलेटर सामने रखिएगा, 9.8, और टी की जगह मैं लिख रहा हूँ टी वन। टी की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ? टी वन। और मेरे बेटा वी एफ की जगह पर मैंने क्या लिख दिया? जीरो। क्यों जीरो लिख दिया? जब पैकेट को छोड़ा गया हेलीकॉप्टर से तो वो नीचे से थोड़ा सा कहां गया? ऊपर। तो ऊपर जाने के बाद वो पैकेट रुका, जैसे ही वो रुका उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई मेरे बेटा? जीरो हो गई। क्या क्वेश्चन बेटा? पैकेट जब फेंका तो वो ऊपर क्यों जाएगा? नाम क्या बच्चे का? मैं स्पोर्ट करी बता दू, ताहा। ताहा मेरे बेटा जब आपने पैकेज को ड्रॉप किया, मैंने भी आपको क्या बताया, एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, प्रॉपर्टी होती है मास की। मास की एक प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी बाय मास में क्या है? मेरी बात बहुत तवज्जो सुनिए ताहा, इस पे तकरीर करनी पड़ेगी। इधर सुनो, जब चलती हुई बस से तुम उतरोगे तो बस हॉरिजॉन्टल चल रही है। अगर बस हॉरिजॉन्टल चल रही है तो तुम्हें हॉरिजॉन्टल उतरने के बाद यूं भागना पड़ेगा ड्यू टू इनर्शिया, क्योंकि तुम्हारी बॉडी का मास है। और अगर तुम चलती हुई बस से उतर के जंप करके रुक गए तो बेटा इनर्शिया की वजह से, मास की वजह से तुम्हारा अपर पार्ट ऐसे आगे की तरफ जाएगा, तुम गिरोगे। तो जिस तरह से एक चीज नीचे से कहां जा रही है, ऐसे ऊपर जा रही है, तो अब जो पैकेज या जो भी चीज है उसका इनर्शिया वर्टिकली एक्ट करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? भाई ये चीज ऐसे मूव कर रही है, बस में तुम जा रहे हो, बस चल रही है, बस से तुमने जंप कर दिया चलती हुई बस से, तो बताएं चलती हुई बस से अगर तुम जंप करोगे तो पहले ही मैंने बताया था इनर्शिया की वजह से हमें पहले क्या करना होगा, उससे भागना पड़ेगा।
इसी तरीके से अगर एक चीज वर्टिकली ऊपर जा रही है तो बेटा कोई चीज जैसी ऊपर जाएगी तो ऊपर इनर्शिया ऐसे वर्टिकल एक्ट करेगा। और अगर ये वाली बात दिमाग में नहीं रखना चाहते तो और आसान, जिस चीज को तुम ड्रॉप कर रहे हो हवा उसके ऊपर एक्ट करेगी, हवा उसको नीचे से थोड़ा सा कहां ले जाएगी, ऊपर की तरफ ले जाएगी। दैट इज वाई वो पैकेज जो भी होगा वो बी से कहां जाएगा, सी की तरफ, ड्यू टू इनर्शिया या ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, हवा की मजाहमत। बोलो कहा, ये बात समझ में आ गई है? कहा बेटा बताओ, समझ में आ गया? इज इट क्लियर? वेलोसिटी वाला स्टेप बेटा, जब पैकेज को ड्रॉप किया गया तो बताइएगा हेलीकॉप्टर की जो रफ्तार होगी वही एग्जैक्टली किसकी रफ्तार होगी? पैकेज की। क्योंकि जो हेलीकॉप्टर की रफ्तार है बिल्कुल उसी रफ्तार से वो पैकेज भी से निकलेगा। अगर तेज रफ्तार, बार बार एक ही बात कह रहा हूं मैं, आप उस पॉइंट को पिक नहीं कर रहे जब आप मैं कह रहा हूं, अगर बहुत तेज रफ्तार से कोई शख्स गाड़ी से जंग कर जाएगा तो उसका बचना मुश्किल है, क्योंकि जो गाड़ी की रफ्तार होगी वही रफ्तार उस बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी? पेनिट्रेट हो जाएगी। इज इट क्लियर माय पॉइंट? तो बताइएगा मुझे सवाल में क्या कहा गया कि टोटल टाइम बताइए कि कितने टाइम के बाद वो पैकेज ग्राउंड पर आएगा। तो पैकेज इनर्शिया की वजह से या एयर रेजिस्टेंस की वजह से नीचे से कहां गया? ऊपर की तरफ गया। तो फाइनली जब पैकेट ऊपर जाएगा तो हवा में जाके रुकेगा ऐसे, और रुकने के बाद दोबारा ऊपर से कहां आएगा? नीचे। तो बेटा फाइनल वेलोसिटी बताइए क्या हो गई है? जीरो। और पैकेट की रफ्तार, हेलीकॉप्टर की रफ्तार इनिशियली जो चीज जिसमें से निकाली जा रही है जो उसकी रफ्तार होगी वही उस मटेरियल की रफ्तार होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास होगी 12, ये हो गया माइनस साइन, ग्रेविटी हो गई 9.8, और T1 टाइम मैंने निकालना है। T1 टाइम कहां से कहां तक होगा बेटा? B से C तक, फ्रॉम B टू C। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आ गया है? बताएं माइनस का 9.8 T1 बेटा लेफ्ट साइड से जब राइट साइड पर आएगा तो बताइए क्या हो जाएगा? प्लस का 9.8 T1 और बराबर किसके हो जाएगा मेरे बेटा? 12। आप मुझे बताओ 9.8 T1 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो बताएं T1 इक्विवेलेंट टू 12 डिवाइड बाय 9.8। तो बताइएगा T1 टाइम आपके पास कितना आ जाएगा? निकालिए कैलकुलेटर, 1.22 आ रहा होगा, 1.22 सेकंड। अब मैं तमाम स्टूडेंट से मुखातिब हूँ, मुझे बताएं यहाँ से यहाँ तक तमाम बच्चों को क्लियर हो गया है? ऑल ऑफ यू माई स्टूडेंट्स, बेटा यहाँ तक क्लियर है आपको? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ हुसैन बेटा समझ में आ गया? वेलोसिटी वाला स्टेप समझ में आ गया? अच्छा, वेलोसिटी वाला स्टेप समझ में आ गया हुसैन? ऑल ऑफ यू स्टूडेंट जल्दी बताइए, और हमारे तमाम बच्चों को बात क्लियर है? तमाम बात क्लियर है पूरी जो मैंने बोर्ड पे लिखी है? इसके बाद दो मिनट में बता दूंगा, दो मिनट के इसके बाद क्लास, ठीक है? बिल्कुल, यहां तक तमाम बच्चों को, तमाम बच्चों को क्लियर है? ऑल ऑफ यू माई स्टूडेंट्स, कोई मसला, कोई दिक्कत? ये बताइए कौन सा टाइम है? ये बहुत ही मामूली सा टाइम है। देखिए कितना माइनर सा टाइम है, 1.22 सेकंड यार, एक सेकंड। अभी मैं बोलूंगा एक सेकंड और एक सेकंड उधर जाएगा, तो इतना माइनर सा हवा का रेजिस्टेंस। अब बच्चे समझते हैं वो ऊपर जा रहा है, अरे यार पर टाइम तो देखो कितना सा निकल के आ रहा है। फिजिक्स को सीखो, मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है। बताओ 1.22 सेकंड का मतलब क्या है? हल्का सा जोर से ऊपर गया और नीचे आ गया। तो ड्यू टू इनर्शिया या ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो चलती हुई गाड़ी से कूदना एक बहुत बड़ा अहमकाना हरकत है, और उसमें बाकायदा अगर कोई ट्रेन फास्ट चल रही है कोई शख्स कूद गया तो डेथ है, खत्म, मर जाएगा, नहीं बच सकता। सुपरमैन थोड़ी है, स्पाइडरमैन थोड़ी है, वेब फेंकेगा और ऐसा हो जाएगा, ठीक है? सुपरमैन थोड़ी है भाई, हम लोग नॉर्मल बॉडीज है, हम लोग फिक्शन मूवी थोड़ी चल रही है यार। बाद लोग आत्महत्या कर लेते हैं ऐसे ट्रेन में से कूद के, ठीक है ना? खैर ऐसा कुछ मत कर लीजिएगा, ऐसा मत कर लीजिएगा कभी, ठीक है? मजाक कर रहा हूँ, खैर ये सारी मजाक की बातें हैं सारी। तेरी बात बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा बेटा, जो रफ्तार आपके ऑब्जेक्ट की होती है, अगर आप उस ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद हैं तो मान लो इस बात को, चैलेंज कर रहा हूं उस बात को, वही रफ्तार आपकी बॉडी की होती है। अभी मैंने आपसे कहा जम करके देख लो, एक ट्रेन 200 किलोमीटर पर आपकी रफ्तार से चल रही है, और अगर उसमें से कोई जम कर गया, इट इज इम्पॉसिबल कि वो बच जाए। बेटा मास अपने आप को इतनी देर तक या इतना जल्दी सडन बैलेंस नहीं कर सकता। मैं दरअसल हर बात का जो है मैं बहुत रीजन के साथ हमेशा से पढ़ाता हूँ, ये नहीं कि मैं ऑनलाइन क्लास की वजह से रीजन कर पढ़ा रहा हूँ। ये क्लास यहाँ भी बैठी होती, मैं वो क्लास ही खत्म नहीं करता जब तक वो बात मुकम्मल नहीं होती। उसमें फिर लोग एतराज आते हैं, आप तो हमारी क्लास का टाइम भी लेगा, ये कर गए वो कर। अभी देखो क्लास का टाइम 10 मिनट रह गया है, लेकिन डॉक्टर अली शामत आ जाएगी, मैं उनकी क्लास जब तक ये न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा भाई मैं कंप्लीट नहीं करने वाला, छोड़ने नहीं वाला, दोबारा क्लास हो जाएगी। डॉक्टर साहब को आज थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा भाई, ये क्या हो गया यार, ये क्या हो गया।
बहुत जल्दी क्लिक हो जाता है, बहुत तेज है। ओके अब बताइए बेटा, बी से सी तक का टाइम मैंने निकाल लिया है टी वन। ओके अब मेरे बेटा मैं टाइम निकालने जा रहा हूं टी टू, जो कहां से कहां तक का टाइम होगा बेटा, सी से डी तक का टाइम होगा, सी से डी तक का टाइम। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, सी से लेके डी तक का टाइम डायरेक्टली नहीं निकल सकता, वजह है, और से सुनिएगा, बहुत तवज्जो रखिएगा, जब पैकेट ऊपर से नीचे आएगा, जब पैकेट ऊपर से कहां आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो बेटा जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ऊपर से कहां आता है, नीचे, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होती है, लेकिन वो ऊपर से नीचे कौन सी वेलोसिटी से आता है, फाइनल से आता है, कौन सी वेलोसिटी से आता है, फाइनल। तो बताने चलो इनिशियल तो जीरो मान लोगे, क्यों, क्योंकि जब भी पैकेज ऊपर से नीचे आएगा, कोई भी चीज ऊपर से जब नीचे आती है तो फ्री फॉल मोशन के रूल के अकॉर्डिंगली उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या ली जाती है, जीरो। तो बताएं डी टू टाइम निकालना इस फॉर्मूले से तो नामुमकिन हो गया, वजह क्योंकि आपके पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है। तो बेटा फाइनल वेलोसिटी नहीं है तो टी टू टाइम क्या करें, मेरी बात बहुत तवज्जो सुनना, एग्जामिनर पागल नहीं है कि उसने आपको 80 मीटर की हाइट दी है। बेटा अगर मुझे बी से सी तक की हाइट पता चल जाए, और से सुनिएगा, अगर मुझे बी से सी तक की हाइट पता चल जाए, तमाम बच्चे और से सुनिएगा, तीसरी बार कह रहा हूं, अगर मुझे बी से सी तक की हाइट पता चल जाए तो बताइए मुझे कहां से कहां तक की हाइट पता है, ए टू बी तक की हाइट पता है, उसमें मैं ऐड कर लूंगा कौन सी हाइट, बी से सी तक की। तो बेटा अगर ए से लेके सी तक की हाइट अगर मुझे पता चल जाए तो ठीक वही हाइट बताएं कहां से कहां तक की होगी, कहां से कहां तक की होगी, सी से डी तक। भाई जितना ऊपर मैं जाऊंगा वापस उतना ही नीचे आना पड़ेगा ना, अगर मैं 10 फ्लोर ऊपर चढ़ गया तो वापस आते हुए 11 फ्लोर नीचे जाऊंगा, अगर मैं जमीन से ग्राउंड से 10 फ्लोर ऊपर गया तो वापस कितने फ्लोर आऊंगा, 10 ही आऊंगा ना। ऐसे नहीं कि वापस आते हुए एक शख्स ने कहा सर आप 10 फ्लोर आए थे, मैं तो 8 फ्लोर पे ही निकल के घर चला गया। तो भाई ऐसे कैसे हो रहा है यार, मजाक चल रहा है क्या? हाँ जंप लगा देगा, जंप लगा देगा, फिर उसके बाद वो घर नहीं जाएगा, हॉस्पिटल जाएगा। फिर बताइएगा जितनी हाइट ए से लेके सी तक की होगी, जितनी हाइट ए से लेके, हाँ जैसे लिफ्ट में होता है, एम आप कह रहे हैं जैसे लिफ्ट में होता है, हाँ बेटा जैसे लिफ्ट में होता है, जितनी हाइट आप जितने फ्लोर नीचे से ऊपर जाते हुए कवर्ड करेंगे उतनी हाइट ऊपर से। एक्चुअली रीजन के साथ चल रहा है ना, देर लगती है लगने दी, लेकिन सवाल समझ में आएगा, इतना सॉलिड आएगा निकलेगा नहीं दिमाग से बच्चों। ओके अब क्या करें भाई, अब हाइट निकाल लो, कहां से कहां तक की हाइट निकाल लो, बी से सी तक की, और अगर तुम्हें ए से लेके सी तक की हाइट पता चल गई तो इसका मतलब है तुम्हें सी से लेके डी तक की हाइट पता जाएगी। और मैं ये सवाल टी टू निकाल लूंगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, एच इज इक्वल टू बी आई टी से कर लूंगा, टी टू आ जाएगा, दोनों को ऐड करके खत्म। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं हाइट निकालने जा रहा हूँ कहां से कहां तक की, जल्दी बताओ, हेडिंग मार्क कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं हाइट निकालूंगा, हाइट फ्रॉम, ये दोबारा क्लास कंटिन्यू करूंगा मैं, अभी क्लास एंड हो जाएगी, दोबारा कंटिन्यू करूंगा, ये सवाल पूरा होना चाहिए। हाइट फ्रॉम बी टू सी, हाइट निकाल रहा हूं मैं बी से सी तक, जल्दी निकालते हैं, बताएं एच इक्विवेलेंट टू, एच इक्विवेलेंट टू मेरे बेटा वी आई, बी से सी तक की हाइट निकाल रहे हैं, एच इज इक्वल्स टू वी आई टी, एच इज इक्वल टू वी आई टी माइनस वन अपॉन टू जी टी स्क्वायर। बी से सी तक का टाइम मैंने निकाल लिया, उस टाइम को मैं क्या कह रहा हूँ, टी वन, एच इज इक्वल टू वी आई की जगह बताएं मैं क्या लिखूंगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी पैकेज की 12, और बताएं टाइम कितना था 1.22 माइनस 1/2, ग्रेविटी की जगह क्या लिखूंगा 9.8, टी वन की जगह क्या लिखूंगा 1.22 का स्क्वायर। जल्दी से कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर किसी बच्चे के पास, जल्दी से कैलकुलेटर उठाइए बेटा, कैलकुलेटर उठाने के बाद इसको कैलकुलेट कीजिए, 12 मल्टीप्लाई बाय 1.22, तो बेटा ये आपके पास इधर जवाब आएगा 14.64। ये 9.8 को डिवाइड बाय 2 कर दो तो बताओ क्या आएगा 4.9, और ये 1.22 का स्क्वायर ले लो, 1.22 का स्क्वायर बेटा जब तुम लोगे तो तुम्हारा जवाब आएगा 1.4884, इसको मल्टीप्लाई कर दो 9.8 4.9 से, तो बेटा तुम्हारे पास जवाब आ जाएगा, तुम्हारे पास बेटा जवाब आ जाएगा h इज इक्वल्स टू 14.64 माइनस 7.29, ठीक है, सबट्रैक्ट कर दो 14.64 माइनस 7.29, तो मेरे बेटा तुम्हारे पास हाइट आ जाएगी b से c तक की हाइट आ जाएगी 7.35 मीटर। ये तमाम स्टूडेंट्स की हाइट आ रही है,
7.35 मीटर। बेटा ये हाइट कहां से कहां तक की है जल्दी बताओ, ये हाइट कहां से कहां तक की है, बी से सी तक की। अब मैं कहां से कहां तक की हाइट निकाल रहा हूँ बेटा, हाइट फ्रॉम ए टू सी, हाइट फ्रॉम ए टू सी। कैसे निकालेंगे हाइट फ्रॉम ए टू सी, एच इज इक्वल्स टू एच ए टू बी प्लस एच जल्दी बताओ बी टू सी। ठीक है मेरे बेटा, तो बताएं टोटल हाइट कितनी आ गई, एच ए टू बी जब मैं निकाल रहा हूँ, ए टू बी मुझे हाइट पता है कितनी है मेरे बेटा 80, और बताओ बी से लेके सी तक कितनी है 7.35, दोनों को ऐड कर दो और जवाब बताओ 87.35 मीटर। ये हाइट कहां से कहां तक की आ रही है, ऊपर हेडिंग मार्क हुई भी है ए टू सी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट तमाम स्टूडेंट, जल्दी से स्क्रीन शॉट लो, ये सवाल बिल्कुल अपने एंड पॉइंट पर खड़ा हुआ है, ये सवाल अपने बिल्कुल एंड पॉइंट पर खड़ा हुआ है। हाइट फ्रॉम ए टू सी, हमारे पास हाइट फ्रॉम ए टू सी आ गई है, जो हाइट ए से ले होगी बच्चों बताओ वही हाइट कहां से कहां तक की होगी सी टू डी। अब मैं जल्दी से बताएं कौन सा टाइम निकाल लूंगा, टी टू टाइम निकाल सकता हूं या नहीं, बताएं टी टू टाइम मैं निकालूंगा। अब मैं टाइम निकालने जा रहा हूं टी टू टाइम, ठीक है, कहां से कहां तक का होगा वो सी से लेके डी तक। बेटा इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन को यूज करें, एच इज इक्वल्स टू वी आई टी, प्लस यूज करूंगा। अब मैं प्लस लिख रहा हूं, बताएं जमीन की तरफ आ रहे हैं, जमीन की तरफ आ रहे हैं प्लस, और बताइए इधर देखिए तमाम बच्चे यहां देखें, हाइट मुझे पता है सी से लेके डी तक की हाइट, जो हाइट ए से लेके सी तक की है, जो हाइट ए से लेके सी तक की है वही हाइट सी से लेके कहां होगी डी तक की होगी। चलिए थोड़ी सी क्लास एक्सटेंड करनी पड़ेगी थोड़ी सी, क्यों उधर बाहर चला गया, ये बाहर चला गया है, ये बाहर चला गया, अच्छा ठीक है ठीक है, मैं कह रहा हूँ उस क्लास को एक्सटेंड कर दी, ये टाइम खत्म हो रहा है, 5 मिनट लगेंगे बस, 5 मिनट लगेंगे, इसको एंड कर दें, हाँ यहीं से एंड कर दें ताकि वो, हाँ बेटा मैं ये क्लास दोबारा कंटिन्यू कर रहा हूँ 5 मिनट के लिए, क्योंकि हमारी क्लास का टाइम 3 मिनट रह गया, तो मैं तकरीबन 5 से 7 मिनट में पूरा न्यूमेरिकल आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दूंगा। तो दोबारा यहीं पर रहिए, दोबारा कनेक्ट कीजिएगा इसी लिंक से कनेक्ट करें दोबारा, इसी लिंक से बेटा कनेक्ट करें दोबारा, ठीक है, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है क्लास।